साथियों नमस्कार, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि LNMU पार्ट 2 का जो एग्जाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा या उसका जो टाइम टेबल है वो कब जारी किया जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ हम बातें करने वाले हैं और कुछ नए अपडेट देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक संभावित तिथि बताई गई है 26 अक्टूबर को। अगर 26 अक्टूबर को अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आपका जो टाइम टेबल है वो 10 से 12 दिन पहले जारी किया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड जो है सब एक सप्ताह पहले जारी किया जाएगा। अगर 26 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होता है तो अगर 26 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपका जो एडमिट कार्ड है और या टाइम टेबल की जो डेट है वो बढ़ सकती है। ऐसे जो है टाइम टेबल जो है मतलब एग्ज़ाम का डेट जो है कभी घटा नहीं है, बढ़ ही सकता है। तो अगर 26 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होता है, शुरू हो जाता है, तो आपका जो है टाइम टेबल जो है जो रूटीन है वो आप 10 से 12 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा और आपका जो एडमिट कार्ड है वो एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर में जारी कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करें कि एडमिट कार्ड निकलने के बाद किस तरह से क्या करना पड़ता है, वो सारी जानकारी पता है। कहाँ साइन कराना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, वो सारी जानकारी आपको पता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।